गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं चर्च देखने के लिए। पीछे हमारे चर्च है, बहुत खूबसूरत सा है। वेलकम टू माय चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। आज है हमारा यहाँ लास्ट डे, शाम तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और आज का प्लान है कि जिस सिटी में हम हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सिटी तो हम एक्सप्लोर करेंगे बट उसके पहले बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बारिश चल रही है, तो देखते हैं कितना हम कामयाब होते हैं। बट सिटी घूमने निकलेंगे जरूर। अभी सारे लोग धीरे धीरे उठ कर रेडी हो रहे हैं, सब रेडी हो जाए तो चेकआउट भी करेंगे और फिर कुछ घंटे हैं हमारे पास सिटी एक्सप्लोर करने के लिए और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए जो जो जैसे जैसे करते जाएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और मिस्टर सिंह भी आ गया रेडी होकर, आइए गुड मॉर्निंग बोल दीजिए सबको। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। ये रेडी हो गए हैं हम, मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। पैकिंग में अकेले अकेले क्या बात कर रहा हूँ? पैकिंग में समझ नहीं आ रहा कि कुछ एक दो कपड़े रह गए जो कि वो नहीं है, पहले नहीं है। गंदे के साथ पैक हो रहा, तो सारे धुलेंगे। ओके, इसी सारे धुले में डाल दूँगा। ठीक है, अच्छा ये चाय बनाएंगे। चाय रेडी है हमारी। सो गाइज हम लोगों ने चेकआउट कर लिया और अब हमारे यहाँ से प्रस्थान का टाइम आ गया है, हम निकल रहे हैं। अभी बारिश भी बंद है तो हो सकता है थोड़ा बहुत तो हम सिटी घूम ही लेंगे। चलिए पहले यहाँ से निकलती हूँ फिर आप लोगों को फिर से ज्वाइन करती हूँ। आ जाएगा, रख दीजिए। डैडी का नहीं आएगा, बंद करो। यस सर। नाइस, गुड जॉब मिस्टर सिंह। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं रेगविक सिटी के डाउनटाउन में और अब जा रहे हैं वाटर के किनारे। बट अभी रोड क्रॉस कर रही हूँ तो थोड़ा ध्यान से। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं रेगविक डाउनटाउन। रेगविक ही बोलते हैं ना, रेगविक सिटी। रेगविक सिटी मतलब यहीं हम रुके हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है हर चीज का। रेगविक सिटी राइट, या डाउनटाउन। वाटर फ्रंट पे थोड़ा हम टहल रहे हैं, इधर काफी अच्छा है। अच्छी बात है यहीं पे साथ में पार्किंग भी मिल गई। हाँ, इधर। और पार्किंग का कितना लगा? पार्किंग का इनकी करेंसी में है, आई डोंट नो, $2-3 लगा होगा। और क्या, दो घंटे के लिए किया आज भी काफी क्लाउडी है और रुक रुक के रेन भी हो रही है। बट अभी रेन स्टॉप है तो अच्छा हमें मौका मिल गया कि हम यहाँ थोड़ा टहल वहल ले, मजे ले लें, फोटो वोटो खिंचा लें। ये अच्छी बात है, यहाँ पहली बार देखा हूँ डाउन टाउन में। हाँ। कितना इजीली पार्किंग यहाँ बना के रखी है और सब सेक्शन में है, पेड पार्किंग है। हाँ। गाड़ी अपना पार्क करो आराम से फिर चिल मारो, इट्स रियली नाइस। नॉर्मली डाउन टाउन में जाओ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पार्किंग की होती है। थोड़ा सुबह भी हम लोग आ गए ना इसलिए। ये इधर पूरा सिटी है, हवा इतनी चल रही है, बाल तो एकदम जैसे फ्रिजी हो गए हैं। तो अभी पहले पकड़ में नहीं आ रहा, एयरपोर्ट लुक में आ गए। एयरपोर्ट लुक क्या होता है? बैग वैग लटका के पूरा पहुंचेंगे मेरी लाइन में ना तो उबल जाएंगे। 90 डिग्री चल रहा है वहाँ पर। अभी यहाँ मजे हैं। सही है, आधे आपको भूख लग गई? No, enjoying the yogurt of the Iceland. इनका वाटर योगर्ट सब बहुत अच्छा है। Yeah. वेदर भी बहुत अच्छा है। This is the best time to come to Iceland. डाउनटाउन वाटर फ्रंट घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चर्च के लिए। यहाँ पे एक फेमस चर्च है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं चर्च देखने के लिए। पीछे हमारे चर्च है, बहुत खूबसूरत सा है। ओह माय गॉड, द स्विंग। हम लोग चर्च करके हम लोग
चर्च का एरिया पूरा। और टावर पर जाने के लिए ना टिकट है अंदर पूरा मैं देख कर घूम कर आई पता करके, और गिफ्ट शॉप भी है तो चलते हैं अंदर। सो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं किसी और प्लेस पे, मैं भी किसी शॉप में, मैं भी कॉफ़ी के लिए। एक्सप्लोर कर रहे हैं ये चर्च। हाँ जी ओके, सिटी भी बहुत क्यूट सी है तो चलते इसमें वॉक अराउंड देखते हैं कहाँ पर क्या है। ये यहाँ के शॉप कुछ एक खुले हैं कुछ एक अभी खुले भी नहीं हैं। सो गाइस अब हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है तो हम लोग आए हैं लंच के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। ये ऊपर वाले फ्लोर पे मैं हूँ, नीचे भी है, और लंच करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग एयरपोर्ट के लिए। तो फिर आपको एयरपोर्ट में मिलते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक भी बहुत लाउड है। हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पर और अभी हमारी बोर्डिंग में काफ़ी टाइम है, कम से कम 2 घंटा है, तो बैठे वेट कर रहे हैं। A few moments later. So guys, बोर्डिंग हो गई है और हम लोग बैठ गए अपनी फ्लाइट में, अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, उसके बाद अपने घर पहुँचेंगे। Excitement to be at home. So guys, हमारी फ्लाइट लैंड कर गई है और हम लोग पहुंच गए अपनी देश दुनिया में। अब यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं घर।